वहीं एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 3 दिवसीय निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत सोमवार 26 दिसंबर से हुई। 28 दिसंबर तक चलने वाले वैक्सीनेशन शिविर में कोवैक्सीन के टीके 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगाने के साथ कोविड शील्ड वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद से ही अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने जिला स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से निशुल्क वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। अस्पताल परिसर में कोवैक्सीन के निशुल्क डोज प्रथम द्वितीय एवं बूस्टर 15 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन से छूटे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। शिविर के दौरान ही कोविडशील्ड वैक्सीन को लेकर भी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कोविडशील्ड की उपलब्धता और टीकाकरण को लेकर जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे ने जानकारी दी। राज्य से अभी कोविशील्ड वैक्सीन है और कार्बोवैक्स वैक्सीन जो बच्चों को 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और 18 साल से ऊपर का जो कोविशील्ड है जिनको फर्स्ट डोज तो लगा है, किसी का सेकेंड नहीं लगा है या किसी का बूस्टर नहीं लगा है, तो राज्य से निर्देश प्राप्त हुआ है अभी कल ही लेट रहा है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी कोविशील्ड के हितग्राही बेनिफिशरी उनको पंजीयन करके रखें। तो अभी सब एक लेटर भी जारी करेंगे जिसमें जितने भी कोविशील्ड और कार्बोवैक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए पंजीयन का कार्य करेंगे ताकि वो स्टेट से अपन वैक्सीन मांग सकें। सर, एसआर हॉस्पिटल में अभी कोविडशील्ड और कोवैक्सीन कौन सा वैक्सीन है? अभी स्टॉक पे और पूरे हमारे स्टेट में सिर्फ कोवैक्सीन ही उपलब्ध है कोविड टीकाकरण के नाम से, तो वो अभी लगातार सभी जगह से संचालित किया जा रहा है। 21 PSC, 9 UPSC, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और बाकी कुछ कुछ NGO जो हैं उनके माध्यम से लेबर इंस्पेक्टर पर जहाँ जहाँ भी कैंप लगा सकते हैं, जहाँ गरीबों को 2-5 रुपये मिलता है, ऐसे जगह भी कैंप का टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए एसआर हॉस्पिटल चिखली के डॉक्टर SP केशरवानी और डॉक्टर पवन देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना की बीमारी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कोविड टीकाकरण का अभियान फिर से जोरों शोरों से शुरू किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसआर हॉस्पिटल में निःशुल्क कोविड टीकाकरण का शिविर चालू किया जा रहा है। इस शिविर का तारीख जो है वो 26, 27, 28 दिसंबर 2022 को रहेगी। जिनको पूर्व में कोवैक्सीन लगा हुआ है ऐसे या फिर जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगा हुआ है, इन दोनों तरीके के मरीजों का टीकाकरण एसआर अस्पताल में किया जाएगा। जो 15 वर्ष से अधिक के नागरिक हैं उनको नया कोवैक्सीन वैक्सीन और उसके साथ ही द्वितीय या बूस्टर डोज अभी तुरंत एसआर अस्पताल में इन 3 दिनों में निःशुल्क उपलब्ध है। जिनको पूर्व में कोविशील्ड वैक्सीन लगा हुआ है ऐसे लोगों के लिए इन 3 दिनों में पंजीयन करना आवश्यक है और आगे जाके स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन द्वारा जैसे ही कोविशील्ड उपलब्ध किया जाएगा तो मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर उनको स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार आगे वैक्सीन उपलब्ध किया कराई जाएगी। तो मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि कोविड के खिलाफ इस अभियान में शासन का साथ दे तथा अपने तथा अपने परिजनों को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। धन्यवाद। वर्तमान में मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे हॉस्पिटल में आज दिनांक 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कोवैक्सीन का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष से उम्र से अधिक के जो व्यक्ति हैं वो फर्स्ट, सेकेंड एवं बूस्टर डोज निःशुल्क यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और आगे के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन भी है अभी हमारे यहाँ होने वाला है, जिसके लिए आज दिनांक 26 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। तो वे व्यक्ति जो कि फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगाए हैं, सेकेंड एवं बूस्टर डोज के लिए भी यहाँ पर पहुँच कर प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे ताकि जब भी इसका वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा उनको प्राथमिकता के आधार पर कोविशील्ड का इंजेक्शन प्रदान किया जाएगा।
अतः मैं क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करूंगा कि अधिक अधिक से अधिक संख्या में आकर इन सब सुविधाओं का लाभ लेवें और प्रयास करें कि शासन के जो निर्देशानुसार कोविड से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, जिसमें मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग जो है और हैंड वॉशिंग, उसका प्राथमिकता से पालन करें। धन्यवाद। 12, 26 से 28 दिसंबर तक एसआर हॉस्पिटल चिकली में आयोजित कोविड के कोवैक्सीन डोज के निशुल्क शिविर में वैक्सीनेशन से छूटे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को सुरक्षित रखने क्षेत्र के लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।